अब मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि आवाज देते हुए संदेश है, हम आगे बढ़ेंगे और ये जानते हुए कि वो बात जो प्रशांत भूषण को पूरी तरह से लागू होती है और उनके बोलने के पहले मुझे बिस्मिल का वो शेर कही देना है, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की मुराद, द डिजायर टू सेक्रीफाइस माई सेल्फ हैज ब्रॉट मी टू दिस मोमेंट, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की मुराद, आशिकों का आज मजमा कूचे कातिल में है, आशिकों का आज मजमा कूचे कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लो वो चोर कितना बाजिए का दिल में है। भाई प्रशांत भूषण देश भर से स्वराज की खोज में निकले हुए हमारे क्रांतिकारी साथी, मुझे बहुत खुशी है कि आज गांधी जयंती के अवसर पर हम एक पुण्य काम कर रहे हैं, एक नई राजनीतिक पार्टी जो कि वैकल्पिक राजनीति इस देश में निर्माण करेगी उसका गठन कर रहे हैं। आज अगर आप देखें कि देश की क्या हालत है, तो एक तरफ जो लोग सत्ता में हैं वो ये कहते हैं कि भाई देश ने बड़ी तरक्की कर ली, कि हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया, आज अखबार में निकला है कि 56,000 या 65,000 करोड़ रुपया वॉलंटरी डिस्क्लोजर में आ गया, यानी कि जिन लोगों ने अपना काला धन डिक्लेयर किया है। लेकिन जो हमने योगेंद्र जी ने और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस सूखे यात्रा के दौरान जो देखा, जो किसानों की हालत देखी, वैसे तो हम रोज ही सुनते हैं कि आज और कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, हर साल कई हजार किसान इस देश में आत्महत्या करते चले जा रहे हैं, पिछले 20 साल में 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं इस देश में। लेकिन ये तो खुद जाकर जब दौरा किया और देखा कि इस देश में कई ऐसे इलाके दिखे मिले, ऐसे किसान मिले जिनके पास सब्जी फल तो छोड़ दीजिए, दूध अंडा तो छोड़ दीजिए, उनके पास आटा दाल भी छोड़ दीजिए, आटा चावल भी नहीं था और घास की रोटी बनाकर खा रहे थे। और इसी वजह से और हम लोगों ने जो उसका आकलन किया कि मनरेगा में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, स्कीम है, जिसमें कि ये सोचा गया था कि भाई हर किसान कम से कम एक फैमिली के एक जने को 100 दिन का रोजगार न्यूनतम वेजेस पर कम से कम मिलेगा, उसकी भी बहुत बड़े पैमाने पर उस कानून को अनदेखा किया गया और खासकर ये भाजपा सरकार आने के बाद उसके फंड्स कम किए गए, उसमें एम्प्लॉयमेंट कम होता रहा। और अभी जो आंकड़े आए हैं 2-3 दिन पहले सरकार के ही आंकड़े, वो ये दिखा रहे हैं कि इस देश में बेरोजगारी पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ अगर आप सोशल सीन को देखें तो आज जब से ये, खासकर जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से इनके जो
जमीनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अलग अलग इन्होंने सेना वगैरह बना रखी है, हिंदू सेना और तरह तरह की, उन्होंने समाज में झगड़े बढ़ाने के लिए, समाज को बांटने के लिए हर तरह से कोशिश करी। कभी बिग बैंग के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी ऐसे ही अफवाह फैला फैला कर लोगों को दूसरे संप्रदायों के खिलाफ, खासकर मुसलमानों के खिलाफ उकसाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में किया है, खासकर उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने। ये सरकार इस आधार पर आई थी, करप्शन तो हमने देखा ही था, पूरा जब लोकपाल का कैंपेन चला तब हमने देखा कि करप्शन किस ऊंचाई पर पहुंच गया था, भ्रष्टाचार पूरे देश में। मोदी ने यह दावा किया था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और इस आधार पर उनको चुना गया, ये एक बहुत बड़ा आधार था। उन्होंने बोला था हम काला धन सब वापस लाएंगे, हर एक आदमी की जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कुछ काला धन आप अभी ये कह रहे हैं कि कुछ डिक्लेरेशन जरूर हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि जो क्लेम करा गया था कि कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे, हर नागरिक को 15-15 लाख मिलेगा, और ये भी डिक्लेरेशन तब हुआ है जब इन्होंने, जिन लोगों ने डिक्लेयर किया है अपना काला धन, उनको हर तरह की छूट दे दी है, इम्यूनिटी दे दी है कि तुम्हारा प्रोसिक्यूशन नहीं होएगा, तुमने अगर ये पैसा अवैध तरीके से बनाया हो तो उसका भी प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार का क्या हुआ? ये बात सही है कि कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कांड अभी भी केंद्र सरकार के खिलाफ उजागर नहीं हुआ, लेकिन आज तक 2.5 साल हो गए लोकपाल नहीं बनाया गया, करीब करीब 3 साल हो चुके हैं जब से ये लोकपाल का कानून बना था, आज तक लोकपाल का गठन नहीं किया गया, केंद्र में नहीं किया गया, दिल्ली में भी नहीं किया गया। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जो दूसरा एक स्तंभ है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें इन्होंने पहले तो 1.5 साल तक 2-3 में से 2 पोस्ट खाली रखी, उसके बाद वहां भ्रष्ट लोग नियुक्त कर दिए, दोनों भ्रष्ट लोग नियुक्त कर दिए, जिनकी नियुक्ति हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करी हुई है। विसल ब्लोअर का जो कानून है उसको कार्यान्वित नहीं किया गया, और उसको कह रहे हैं कि उसमें एक संशोधन लाएंगे जिससे कि वो कानून ही खत्म हो जाएगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और खैर, जो इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो आदेश दिया था कि हर राजनीतिक दल को सूचना के अधिकार के तहत, कानून के तहत आना है, वो तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ने उसका पालन नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया, जो कि इसी आधार पर गठित हुई थी कि भाई ये पारदर्शी होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून के तहत आएंगे, सारी सूचना अपनी पार्टी के बारे में पब्लिक वेबसाइट पर डालेंगे। अगर हम पर्यावरण के क्षेत्र में देखें तो एक तरफ तो खैर ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एक पूरा विश्व का फिनोमेना है कि कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में इतना बढ़ता जा रहा है, उससे टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि तरह तरह के असर अब होने लगे। गर्मी बढ़ रही है, कभी एकदम से बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, ये सब उसका एक बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। ये तो खैर पूरे विश्व में हो रहा है, पर अगर हम अपने देश का देखें तो दिल्ली में आज डेंगू, चिकनगुनिया इतना फैला हुआ है स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद, क्योंकि सब जगह गंदगी, पानी
ठहरा हुआ है, ये तो एक प्रॉब्लम है। जमुना को देखें, गंगा को देखें, प्रदूषण बेइंतहा, और गंगा को तो पूरी तरह से, और ये हिमालयन नदियां को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, बड़े कई सारे एक के बाद एक सीढ़ी की तरह बांध बनाकर। जहां जहां खदान है, जहां जहां माइनिंग हुई है, पूरे देश में काफी बड़े पैमाने पर तरह तरह की माइनिंग हुई है, चल रही है, जो कि कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने रोकी है, लेकिन वहां तो पानी, पहले तो जंगल सारे कट गए, वहां के लोगों को विस्थापित कर दिया गया, और जो लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अभी अभी थोड़े दिन पहले हजारीबाग में फिर से फायरिंग करके 5 लोगों को मार दिया गया, परसों की बात है, जो लोग विरोध कर रहे थे अपनी भूमि का अधिग्रहण का, जो कि एनटीपीसी वगैरह लेना चाहती है, 5 लोगों को मार दिया गया, 30 लोग घायल हो गए। मतलब एक तरफ तो बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित किया गया, जंगल काटे गए, वहां की नदियां बिल्कुल प्रदूषित हो गई माइनिंग की वजह से, वहां की हवा बिल्कुल प्रदूषित हो गई माइनिंग की वजह से, एग्रीकल्चर ध्वस्त हो गया माइनिंग की वजह से, क्योंकि माइनिंग का जो डस्ट निकलता है वो वहां के एग्रीकल्चर को खराब कर देता है। तो ये पर्यावरण का हाल होता जा रहा है, और पॉलिटिकल सीन में तो हम ये देख रहे हैं कि सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कि एक सुप्रीमो या एक परिवार चलाता है, जिसमें कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, जिसमें कोई ठोस जवाबदेही का सिस्टम नहीं है, और जिसकी नीतियां, जो वो लोग नीतियां बनाते हैं, या कम से कम जो नीतियां फॉलो करते हैं, कई बार तो कह देते हैं कि भाई हमारी ये नीति होगी, लेकिन बाद में बिल्कुल उल्टा करते हैं। मोदी जी ने ये बोल दिया कि भाई हम स्वामीनाथन कमिटी के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि जितना किसानों का खर्चा होता है उससे कम से कम 50% ज्यादा दर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा दिया जाएगा, जो उनकी उपज होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसको बिल्कुल छोड़ दिया। हर तरह बार बार हम ये देख रहे हैं कि जो पॉलिसी बोली जाती है उसको फॉलो नहीं किया जाता, और जो पॉलिसी फॉलो करी जाती है इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा, वो ज्यादातर जन विरोधी होती हैं, और सिर्फ इस आधार पर तय करी जाती हैं। अगर आज आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बयान देखें तो बयान उसी तरह से आते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल जब पंजाब गए तो ये बोला गया कि भाई सतलज यमुना लिंक के लिए पंजाब से जरा भी पानी हरियाणा नहीं जाना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक पूरा ट्राइब्यूनल बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, पर आपको क्योंकि पंजाब का चुनाव जीतना है तो आप कह देते हैं कि एक बूंद पानी भी पंजाब का हरियाणा नहीं जाएगा, चाहे वो कहने में आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कानून सबकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हैं, जन विरोधी काम करने के लिए तैयार हैं, पर पंजाब का चुनाव जीतने के लिए। जब यही दिल्ली आते हैं और हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि ठीक है, अगर पंजाब का पानी हरियाणा नहीं आएगा तो फिर हरियाणा का पानी भी दिल्ली नहीं जाएगा, तब यहां आकर कहते हैं कि जी पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, नदी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये हालत हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों की हो गई है, और इसीलिए जब हम पूरे देश में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी राज्य में चले जाइए, तो हर जगह लोग कहते हैं कि भाई इससे हमको मुक्ति दिलवाइए, कुछ तो करिए, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी, कोई ऐसी पार्टी बनाइए जिसको हम ये मान सकें कि जो इन उसूलों पर खरी उतरेगी, जिसमें कि लोकतंत्र हो, जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें ठोस जवाबदेही हो,
जो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड फेडरल किस्म की पार्टी हो और जिसकी नीतियां जो हैं बिल्कुल जनहित पर खरी उतरे, जिसकी नीति इस आधार पर ना बनाई जाए कि भाई हमको यहां से इस राज्य से इस चुनाव में वोट बटोरनी है और इस वजह से हम ये कह देते हैं, जो बिल्कुल जनहित पर पे काम करती है, ऐसी हमको एक पार्टी दीजिए। ये सब जगह से ये आवाज आ रही थी और इस वजह से खासकर आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया उसका जो दुर्भाग्य हुआ, और दुर्भाग्य खैर मैं उसके कारणों में ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका एक मुख्य कारण ये था और हमने जो एक बड़ी गलती करी वो अरविंद केजरीवाल को पहचानने में और उसको एक तरह से पार्टी का सुप्रीमो हमने बनने दिया, डिफैक्टो सुप्रीमो बनने दिया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती हुई और जिसकी वजह से वो सारा उसने ध्वस्त कर दिया। तो जब हम आज इस पार्टी का गठन कर रहे हैं स्वराज इंडिया, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि ये पार्टी, जो आनंद जी ने बोला कि ये लेने के लिए नहीं, कुछ हासिल करने, अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि देश को सुधारने के लिए, देश को एक बिल्कुल उसूलों की और स्वच्छ राजनीति देने के लिए बनाई जा रही है और उसके मापदंड ये सारे होने होंगे कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना होगा, और सिर्फ लोकतंत्र का ये मतलब है कि बड़े बड़े सवालों पर भी हम अपने वॉलंटियर्स और हमारे मेंबर जो हैं उनको कंसल्ट करें, सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सवाल जब हमारे पास आते हैं तो फिर मेंबर्स को और वॉलंटियर्स को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा कि ये एक फेडरल डिसेंट्रलाइज्ड पार्टी होगी जिसमें कि सत्ता और डिसीजन मेकिंग का केंद्रीकरण नहीं होगा। आज तो केजरीवाल कह देता है कि जी वहां पर गोवा में ये कर लो, गुजरात में ये कर लो, वहां के लोगों से पूछा भी नहीं जाता, पंजाब में ये कर लो, उसको टिकट दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी इस पार्टी में एक फेडरल और डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर होना चाहिए। पारदर्शिता, पारदर्शिता एक तो ये होती है कि भाई हम अपना खर्चा जो हो रहा है, जो हमारी हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं उसकी पारदर्शिता। दूसरी पारदर्शिता ये होती है कि भाई हमारी पार्टी के कौन से एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं और उनके क्या फैसले हुए, वो सब सार्वजनिक होने चाहिए, जवाबदेही। जवाबदेही इसलिए जरूरी है कि भाई कोई गलत लोग आ जाएं, कुछ गलत काम करने लगे आपकी पार्टी के ही लोग, तो उनको उनके खिलाफ कंप्लेंट भेजने का और उनको हटाने का उनकी एक एक बिल्कुल ठोस तरीका होना चाहिए, जिसमें पार्टी में एक लोकपाल और डिसिप्लिनरी कमेटी हर लेवल पर होना चाहिए और वो बिल्कुल फंक्शनल होना चाहिए। उसमें लोकपाल में तो खासकर बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए जो कि पार्टी से सीधे जुड़े हुए नहीं, जो ये देख सकें। और लास्टली पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो पहले से सोच के घोषित होनी चाहिए और बिल्कुल जनहित के आधार पर होनी चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी की पॉलिसी कभी बदली नहीं जा सकती, लेकिन बदलने का आधार होना चाहिए ये नहीं कि भाई हमको चुनाव कराना है, चुनाव जीतना है पंजाब में, तो आज हम ये बोल दें कि पंजाब का पानी हरियाणा नहीं जाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पार्टी जरूर बना रहे हैं जो कि चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वैकल्पिक राजनीति के मापदंड पर खरी उतरेगी, जो जो मैंने अभी मापदंड बताया। लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं, और मैं भी ये बात मानता हूं,
ये जरूरी नहीं है कि देश में बदलाव लाने के लिए आपको सत्ता में आना जरूरी है, आपको चुनाव लड़कर सत्ता में आना जरूरी है। बदलाव और तरह से भी आता है, बदलाव जन आंदोलन से, जन दबाव से आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया जन आंदोलन से, जो अरुणा रॉय वगैरह ने जो करा उसके दबाव से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी पब्लिक कैंपेन की वजह से आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी पब्लिक कैंपेन की वजह से आया, लैंड एक्विजिशन एक्ट भूमि अधिग्रहण का कानून में बहुत बड़ा बदलाव पब्लिक कैंपेन की वजह से आया। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव आप सिर्फ चुनावी राजनीति से या सत्ता में आकर ही ला सकते हैं। बहुत सारे बदलाव, बहुत बड़े बदलाव आप पब्लिक कैंपेन करके, और अगर आप स्ट्रेटेजिकली कैंपेन करें और उसमें खूब सारे लोगों को अगर आप जोड़ पाए, जैसे कि जन लोकपाल के आंदोलन में हुआ था कि इतने सारे लोग जुड़ गए थे कि सरकार को, संसद को ये मानना पड़ा कि भाई हाँ, लोकपाल का कानून बनाना पड़ेगा, और उन्होंने बनाया, चाहे पूरा वैसा नहीं बनाया जैसा हम मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ बनाया, और उसको भी आज कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इस पर भी हमको एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम लोकपाल का गठन तो किया जाए। तो बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जो चुनावी राजनीति में नहीं जाना चाहते, और वो बदलाव इस तरह के पब्लिक कैंपेन से ही लाना चाहते हैं। और इस वजह से हम लोगों ने शुरू में ही फैसला किया था कि जब भी हम लोग, ये शुरू से हम लोगों ने सोचा था कि भाई एक वैकल्पिक राजनीति के लिए एक चुनावी पार्टी का गठन करना जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी फैसला किया था कि उसका ये मतलब नहीं होगा कि जो स्वराज अभियान है, जो कि चुनाव नहीं लड़ेगा, उस अभियान को खत्म कर दिया जाए। हमने गलती उस समय ये करी जब ये जन लोकपाल का आंदोलन हुआ था कि उस समय जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था उसको खत्म होने दिया, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जो कि उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन या लोकपाल के कैंपेन में जुड़े हुए थे और जो कि चुनावी राजनीति में नहीं जुड़ना चाहते थे, वो सब उससे कट गए। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया था कि भाई स्वराज अभियान इसके बाद भी एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक कैंपेन की तरह चलेगा। और स्वराज अभियान, जैसे आनंद जी ने बताया कि हम लोगों ने चार कैंपेन्स तो अनाउंस करी हैं, जिसमें से कुछ कैंपेन काफी आगे बढ़ चुकी हैं, कुछ कैंपेन अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई हैं। जय किसान आंदोलन, एंटी करप्शन कैंपेन, भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन, अमन की कैंपेन और शिक्षा स्वराज की कैंपेन, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हमको कैंपेन छेड़नी पड़ेगी, जैसे कि न्यायिक सुधार का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज अगर आप ये पूछें कि भाई कितने लोगों को इस न्यायिक व्यवस्था से न्याय मिलता है, तो उसका ईमानदार जवाब ये होगा कि शायद ही किसी को, क्योंकि ज्यादातर लोग तो न्यायिक अदालत में प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वकील के पैसे नहीं होते। जो प्रवेश कर सकते हैं वो भी, उनको भी तारीख पर तारीख मिलती रहती है, 10-10, 20-20 साल तक भटकते रहते हैं, कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, वकीलों को पैसे देते रहते हैं, जिनके फैसले हो भी जाते हैं तो कई बार गलत फैसले हो जाते हैं भ्रष्टाचार के कारण या फिर नासमझी के कारण। तो न्यायिक सुधार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर भी हम लोगों को एक बड़ी कैंपेन शुरू करनी पड़ेगी। मैंने सब मित्रों के कहने पर यह तो स्वीकार किया कि मैं स्वराज अभियान का एक तरह से नेतृत्व कह लीजिए या उसको गाइड करूंगा, लेकिन
लेकिन ये बात आप लोगों को सबको समझ लेनी चाहिए कि देखिए मेरा तो प्राइमरी काम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोर्ट्स में है और इसलिए अगर स्वराज अभियान को असली में वो काम करना है जिसके लिए स्वराज अभियान का गठन किया गया था, अगर हमको रैली सशक्त कैंपेन्स चलानी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसानों के मुद्दे पर, अमन के मुद्दे पर, न्यायिक सुधार के मुद्दे पर, शिक्षा के ऊपर और अन्य चीजों के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों को और खासकर कुछ लोगों को इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, उनको इसमें जुड़ना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। मैं तो थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन इसका जो मेन काम है आप लोगों में से तो लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। आज गांधी जयंती है, हम लोगों को ये याद करना चाहिए कि गांधी जी ने मुख्य चीजें क्या बोली थी। उन्होंने बोला था अहिंसा हमको, और आज अहिंसा जो उन्होंने बोला था आज इसलिए भी और जरूरी हो गया है। एक तो खैर ये सब जो आरएसएस जैसे संगठन जो हिंसा भड़का रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, देश में हिंसा भड़का रहे हैं, उसलिए भी हमको ये याद करना जरूरी है कि अहिंसा कितना अहम एक प्रिंसिपल है। दूसरा, आज ये कहा जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए और बहुत सारे लोग टीवी पर बैठ के ये सब कह रहे हैं, जिसका कि वो लोग समझते भी नहीं कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, कितना नुकसान हो सकता है, किन लोगों को। जब लड़ाई होती है तो कुछ राजनीतिक लोगों को लगता है कि उसका फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि देश में जो लोग देशभक्ति के नाम पर उनकी जय जयकार करेंगे कि भाई उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी, उससे उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। जो ये मीडिया वाले होते हैं उनको लगता है कि भाई बड़ा अगर लड़ाई होगी तो हम दिन भर ये दिखाएंगे कि यहाँ ये लड़ाई हो गई, वहां ये हो गया, वो हो गया, और सारे लोग टीवी देखते रहेंगे और मीडिया देखते रहेंगे तो हमारा तो बड़ा फायदा हो जाएगा, और इसलिए वो इसको प्रमोट करना चाहते हैं। और इसका जो कॉस्ट है वो एक सबसे पहले तो जो हमारे सैनिक हैं उनको भुगतना पड़ता है, वो बेचारे जाकर मरते हैं, और उसके बाद आम जनता को भुगतना पड़ता है। अभी जो ये सर्जिकल स्ट्राइक करी गई उसमें भी उसकी वजह से 17 लाख लोग जो बॉर्डर एरियाज में रहते थे 10 किलोमीटर के फासले पर, उन सब को वहां से विस्थापित करना पड़ा है। कितने महीने विस्थापित रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि मिनिमम 4 महीने वो लोग अपने घर वापस नहीं जा पाए। तो इसलिए आज हमको गांधी जी ने जो अहिंसा के बारे में बोला था वो याद करने की जरूरत है। दूसरी बात, उन्होंने स्वराज बोली थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी, मैं सबसे अहम चीजों की बात का जिक्र कर रहा हूं कि भाई देश में ये जरूरी है कि आम आदमी खुद तय करे कि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होना है, सरकारें भी आम आदमी की आवाज सुनकर आम आदमी की राय लेकर ये तय करें कि क्या पॉलिसी बननी है, क्या फैसले होने हैं। तो दूसरा वो हमको याद रखना है, और हमारा तो खैर संगठन ही इस आधार पर बना है, हमारा तो नाम ही वो है। और तीसरा, उन्होंने ये बोला था कि जब भी हम कोई फैसला करें तो उस फैसला करने से पहले सबसे पहले आखिरी आदमी के बारे में सोचें कि इस फैसले से इस देश के आखिरी आदमी के ऊपर क्या असर होगा। और ये हमारी सारी सत्ताधारी पार्टियां वगैरह इस सब को आज भूल चुकी हैं। गांधी जी का नाम जरूर लेते हैं, गांधी जयंती के नाम पर इश्तेहार दे देते हैं, लेकिन उन्होंने जो हमको बताया सिखाया वो सब पार्टियां भूल चुकी हैं, लेकिन हमको ये सब चीजें याद रखनी है। तो आखिर में मैं यही बोलूंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है जिस
पवित्र निष्ठा से आप लोग सब निकले हैं इस देश को बदलने के लिए, और जिस पवित्र निष्ठा से ये स्वराज इंडिया पार्टी का आज गठन किया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन जरूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद।